एंड वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ जगह बना रही हूँ कुछ चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टेप अप ऑर्गेनाइज़र रखा था उसकी जगह मैं चेंज करूँगी, ताकि मैंने कुछ नई चीज़ मंगवा ली है तो वो आ गई थी और उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था। तो वही सोच रही थी कि इसकी जगह कहाँ पे रखूँगी। तो अभी मैं चेक करूँगी कि ये लिविंग रूम में कैसे लग रहा है, नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगेगा या फिर इसके लिए अच्छी सी जगह नहीं रहेगी तो ये मैं बेडरूम में शिफ्ट करूँगी। तो ये तो अभी मैंने यहाँ पे टेम्पररी रखा है, तो पता नहीं मैं इसकी जगह कब चेंज कर दूँगी। तो आप बता दीजिए कि ये स्टेप अप ऑर्गेनाइज़र कहाँ पर अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की थी और वो मुझे कब डिलीवर हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक नया क्रॉकरी यूनिट ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। मतलब ये मैंने होम सेंटर की जो शॉप है वहाँ पे देख लिया था। तो होम सेंटर से मैंने देखा कि वो वन वीक डिलीवरी के बाद डिलीवरी चार्जेस प्लस असेंबली चार्जेस ले रहे थे। तो यही जो चीज़ है वो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। तो वहाँ पे मुझे ज़ीरो डिलीवरी कॉस्ट प्लस असेंबली कॉस्ट आया था। तो मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया, पर उसके पहले मैंने इसकी पूरी छानबीन कर ली थी होम सेंटर जाके। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर थोड़ी जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर इट इज़ ओके। वी विल सी कि कैसे इसमें सब ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे ओके ओके टाइप लगा। मतलब आप जो भी आपका क्रॉकरी यूनिट, मतलब सारी जो क्रॉकरी की चीज़ें वो इसमें आप डिस्प्ले कर सकते हो। मेरे पास एक क्रॉकरी यूनिट था पर वहाँ पे ब्लैक ग्लास की वजह से ना वो दिखते नहीं थे, तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचा कि दूसरा एक परचेस कर दूँ, तो अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम आ ही जाती है तो ये एज अ कबर्ड भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है। तो पहले इसको हम अच्छे से क्लीन करके लेते हैं। तो जो कांच है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आई थी, तो वो मैंने कोलीन से साफ़ कर दी है। और इसको थोड़ा डेकोरेटिव लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट उसके ऊपर रखा था, पर बाद में मैंने ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बाद में इसमें चेंज करके दूसरा वाला जो मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट है ना वो रखा था। तो वो काफ़ी कॉर्नर पर अच्छा दिख रहा था। तो आज तो मैंने सिर्फ सोचा था कि ऊपर का जो सेक्शन है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें कहाँ पे रखूँ, और जो भी करना है वो अच्छे से करना था। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना था। तो नीचे का जो पोर्शन है वो मैं आपको बाद में ऑर्गेनाइजेशन बताऊँगी, पर पहले तो अभी हम स्टार्ट करते ऊपर का सेक्शन। तो जो भी मेरे क्रॉकरी आइटम्स थे वो सारे मैंने डाइनिंग टेबल पे निकाल के रखे थे, ताकि थोड़ी आइडिया आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखने के बाद वो अच्छी लगेगी। तो इस तरह से सॉर्ट करने के लिए मैंने सारी जो भी क्रॉकरी है वो बाहर निकाल के रखी थी। मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर फिर भी मैंने सोचा कि अच्छे से ऑर्गेनाइज ही करना है। तो मुझे पता है कि अभी मुझे कमेंट आएगी कि कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स है। तो आप अगर देखोगे तो ना सारी चीज़ें जो है वो सेट ऑफ फोर, कुछ कुछ चीज़ें सेट ऑफ सिक्स में है, पर कुछ कुछ चीज़ें सेट ऑफ फोर में ही है, क्योंकि मुझे ना मतलब अलग अलग डिज़ाइंस ट्राई करने के लिए अच्छा लगता है। तो अगर हम सेट ऑफ सिक्स और सेट ऑफ ट्वेल्व में लेते हैं ना तो कुछ अलग नहीं ट्राई कर सकते। तो देखिए ये जो दो प्लेट्स है फ्लोरल प्रिंट के वो दो ही है, उसके बाद ये चार प्लेट्स है, उसके बाद और एक सेट है वो भी चार प्लेट्स का ही है। तो इस तरह से अलग अलग कलर में ना मुझे क्रॉकरी पसंद आती है, तो मैं वैसे ही टाइप की ले लेती हूँ।
तो इस तरह से मेरा जो पूरा क्रॉकरी यूनिट है वो ऑर्गेनाइज हो चुका था। तो आपको वो कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उसके बाद थोड़ी देर चाय पीने के बाद बाकी दूसरा काम बहुत बचा था, तो वो सारा सब कुछ ख़त्म करना था। तो मैंने पहले दिन ही सब ग्रॉसरी आइटम्स ला के रखे थे, पर उसके लिए टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अभी आज जो मतलब डिनर है वो मैंने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि सुबह का बहुत ज़्यादा बच गया था खाना। तो सोचा कि कुछ तो उसको अच्छा जैसा स्टार्टर बना के वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज ज़्यादा डिनर का काम नहीं था, तो सोचा ये सारी जो ग्रॉसरी है वो अच्छे से रख दूँगी। ज़्यादा ग्रॉसरी के आइटम्स नहीं ख़त्म हुए थे, पर मेरा जो लॉन्ड्री का सामान था वो पूरा ख़त्म हुआ था। तो वो आज मैं रिस्टॉक करूँगी, और मैं उसको किस तरह से रखती वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी किचन के कंटेनर्स है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं मेरी जो यूटिलिटी एरिया है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लेती हूँ। तो ये जो हमारी डिटर्जेंट वगैरह रहती है ना उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो कंटेनर है ना उसका जो ढक्कन है वो मतलब ब्रेक हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे पाउडर के लिए जो हमारे डिटर्जेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया है। और ये कुछ कंटेनर्स है जिसको मैंने डिस्कार्ड किया था किचन से, वो मैंने सारी अभी मेरी यूटिलिटी एरिया में रख दिए हैं। तो इसमें मैं रखूँगी जो हमारे पित्तल और तांबा के बर्तन रहते हैं ना उसका वाला जो पाउडर आता है वो रखूँगी। तो उसके लिए मैंने और एक कंटेनर जो है हमारा डिब्बा है वो खाली हुआ था और उसको मैं नहीं यूज़ कर रही थी, तो वो मैंने इस पाउडर के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये जो विनेगर है ना वो हमारा कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो जाता है, तो उसको आप इस तरह से हमारे जो हैंड वॉश के डिस्पेंसर्स रहते हैं ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं वैसे ही कुछ अलग अलग ट्रिक्स फॉलो कर देती हूँ जिससे मेरा जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो अब आते हैं मेरा जो यूटिलिटी एरिया है उसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप देख सकते हो ये जो एक बॉक्स है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो उसको आप अच्छा सा ऐसे कवर लगा के डेकोरेट कर सकते हो, और उसका आप इस तरह से स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कोई भी प्लास्टिक के जो ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, बास्केट्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करने की वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें मैंने सारे ये जो लिक्विड्स हैं ना वो रख दिए। ये जो लिक्विड्स रहते हैं ना उसके नीचे दाग आ जाते हैं। तो ये जो मेरा आप पूरा जो कैबिनेट देखो ना वो पूरा वाइट में है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दाग आ रहे थे। तो इस तरह सा बॉक्स मैं यूज़ करती हूँ, तो जिससे मुझे उसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरा पूरा यूटिलिटी एरिया जहाँ पे मैंने सारा सब कुछ जो हमारा लॉन्ड्री के लिए जो भी डिटर्जेंट्स वगैरह लगते हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है।
तो जो भी एक्स्ट्रा स्टोरेजेस रहता है, मतलब आटा या फिर शुगर या फिर मैदा वगैरह, जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा में स्टोर करते हैं ना, तो वो मैं ऊपर रखती हूँ। तो जब भी मैं मतलब ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ ना, तब ये मैं पहले चेक करती हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब स्टॉक में है भी या नहीं। तो यहाँ पे एक ही सेक्शन रखा है कि जहाँ से मैं देख सकूँ। तो सारी जो ग्रॉसरी थी वो रिस्टॉक हो गई थी, हर चीज़ हर जगह पे उसकी जगह पे गई थी। तो अब हम थोड़ा जो डिनर का प्लान करते हैं, तो यहाँ पे ना मैंने आज सोचा था कि कुछ पनीर में बना दिया जाए। तो पनीर चिली आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि हम तो चिकन चिली वगैरह खा लेते हैं, पर पनीर का मैं ज़्यादा बनाती नहीं, तो अभी फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जो पनीर है ना उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये फ्राई पैन मैंने ऐसे लिया है जिसमें मुझे ऑयल जो है ना वो बहुत कम लगे, तो इसलिए मैंने ये वाला फ्राई पैन यूज़ किया है। तो ये पूरा पनीर मैंने फ्राई किया है। तो अब चिली के लिए, मतलब पनीर चिली के लिए जो भी वेजेस लगते हैं, वो सारे मैं अभी यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, थोड़ा सा प्याज, उसके बाद बेल पेपर, जो भी कलर्स मुझे मिले थे वो मैंने लाए थे, और उसमें सारे जो सॉसेजेस हैं वो जो भी लगते हैं हमें पनीर चिली के लिए, वो सारे डाल के उसमें मैं पनीर ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से बहुत लाइट सा डिनर रखा था कि मतलब जो भी आपका सुबह का अगर कुछ बच जाए, तो आप इस तरह से कुछ टेस्टी बनाएंगे ना, तो सब ख़त्म हो जाएगा और कोई बोलेगा भी नहीं आपने कुछ खाना नहीं बनाया है। तो ये मेरा पनीर चिली पूरा रेडी हो गया था। सो थोड़ा देसी तड़का देने के लिए मैंने इसमें धनिया भी ऐड किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है, वो जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है, वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।